मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं पवन मुक्तासन की ही श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला की आज पहली कड़ी, फर्स्ट एपिसोड आज हम देखने जा रहे हैं। इसे हम एनर्जी ब्लॉकेज भी हटाते हैं और इसे शक्ति बंध भी कहते हैं, इस श्रृंखला का नाम, जिसमें हम मुख्यतः अपने अपर पार्ट को लूजन करते होते हैं। तत्काल मैं इसमें अपने शोल्डर को और अपर बैक को लूज करने जा रहा हूँ, यहाँ के टाइर्डनेस स्टिफनेस को हटाने जा रहे हैं। तो आइए आप हमारे साथ कीजिए इस पवन मुक्तासन की तीसरी श्रृंखला, जिसमें कि हम अपने न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। मित्रों, आप जानते होंगे कि हमें एनर्जी होते हुए भी हम उस एनर्जी को डिस्बर्स नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसे ब्लॉकेजेज होते हैं, एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं। तो इस श्रृंखला में मुख्यतः हम अपने एनर्जी ब्लॉकेज को हटाएंगे और तभी हम फुर्तीला बन सकते हैं, जब हमारे नर्व्स के ऑर्डर को मसल मानने लग जाते हैं। यही काम हम इस श्रृंखला में करने जा रहे हैं, यानी कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी पहली हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रज्जु कर्षणासन, यानी कि रोप पुलिंग पोज। तो हमें यह मानना है कि हम एक रस्सी को खींचने जा रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच और सामने में। तो आइए हम कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। इसके लिए हमारी प्रारंभिक स्थिति होगी दंडासना। ये हम अपने दोनों पैर को बाहर की ओर खींचते हुए स्ट्रेच और टुगेदर दोनों को यहाँ रख लिए, हाथ यहाँ रख लिए, स्टार्टिंग यहाँ इनहेल और एक्सहेल करके अपने शरीर को बिल्कुल अलर्ट कर लेना है। थ्रू आउट प्रैक्टिस हमें आंखों को खोलना है और यहाँ हमें अपने राइट हैंड से शुरू करना है। दोनों हाथ यहाँ रख लिए, प्लस फिस्ट बनाना है इस तरह से, थंब को अंदर और यहाँ मजबूती से कर लेना है। अब हम राइट हैंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, इनहेल करते हैं, जब भी हमारा बॉडी स्ट्रेच होता है तो हम इनहेल करते हैं, और जब नॉर्मल स्थिति में आता है तो एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ भी हम इनहेल करेंगे और अपने हाथों को इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ रस्सी को ताकत से पकड़ा है, ऊपर ले जा रहे हैं ऊपर, और इसी चीज को हमारे आंख भी फॉलो करेगा और हेड भी फॉलो करेगा। पूरा ताकत से ले जाएंगे ऊपर, यहाँ बिल्कुल बॉडी के सीध में आ जाएगा, और इससे उतना ही ताकत से आंख को फॉलो करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ नीचे लाएंगे। यही चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, पूरा ताकत से इनहेल करता हुआ ये, और यहां हम कोशिश करेंगे कि उस रस्सी का, जो रोप पुलिंग पोस्चर में हम रस्सी खींच रहे हैं, ये बिल्कुल ऊपर जाके पकड़े हैं, यानी कि ये शरीर आपका स्पाइनल स्ट्रेच भी होना चाहिए और दोनों हाथ एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और यहां से फिर से एक्सहेल करता हुआ यहां, यह एक राउंड हुआ। मित्रों, एक बार हम राइट हैंड से किए और एक बार लेफ्ट हैंड से, यह एक राउंड होता है और इसी राउंड को हम 10 राउंड्स प्रतिदिन हमें करना है। तो आइए आप हमारे साथ ही इस 10 राउंड को कंप्लीट कीजिए। इनहेल, यहां आप कुछ सेकंड के लिए बने रह सकते हैं, अपने शरीर को खींचिए ताकत के साथ, फिर नीचे एक्सहेल करता हुआ यह मानते हुए रस्सी को खींचा जा रहा, इनहेल एक्सहेल। इस क्रम में आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि हमारे शोल्डर में खिंचाव आ रहा है, हमारे अपर बैक में खिंचाव आ रहा। अगर इसके फायदे की बात की जाए मित्रों, तो इसके लिए हमारे कंधे में
खिंचाव आ रहा, ब्रेस्ट में, वक्ष में एक सुडौलता आता है, ब्रेस्ट सुडौल हो जाता है और जेंट्स के चेस्ट मसल में एक मजबूती आता है। यहां इसे हर आदमी के द्वारा किया जा सकता है, इवन प्रेग्नेंट लेडीज के द्वारा भी इसे किया जा सकता है, जिससे कि ये प्रेगनेंसी के बाद हुए फ्लेक्सिड मसल को हटाया जा सकता है। और जो लॉन्ग सिटिंग जॉब ऑफिस में करते हैं, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं घंटों घंटों, उनके कंधों में श्रगिंग आ जाता है, ये श्रगिंग भी हम इससे हटा सकते हैं। इस कंप्लीट प्रक्रिया के दौरान हमें अपने अवेयरनेस को, अपने शरीर के स्ट्रेच जो कि अपर बैक में हो रहा है और शोल्डर में हो रहा, यहां हमें अवेयरनेस बना के रखना है। इसके साथ ही अपने ब्रीदिंग पर रखना है, एक सकारात्मक भाव, प्रसन्न मुद्रा और मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है। इस तरह से यह है मित्रों हमारा रोप पुलिंग पोज। अब पूरा ताकत से ऊपर ले जाइए इनहेल और एक्सेल करता हुआ, नीचे इनहेल और एक्सेल। अगर इसके कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो जैसा कि यह अपर बैक को स्ट्रेच कर रहा है, तो आप अपर बैक से अगर इंजोर्ड है, रिसेंटली सर्जरी करवाए हैं, कंधे का सर्जरी करवाए हैं, तो यह आपके लिए करना उपयुक्त नहीं होगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।